नाम बताओ। मेरा नाम बसंत भट्टी है, मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ कॉमर्स बैच। हम लोग को कल सुबह सुबह हम लोग पेपर दे के आए, तब सबसे पहले बच्चे लोगों को बुला के उनको जबरदस्ती मैम लोग मारे और पूछे कि ना तुम लोग गए थे कि नहीं। उसके बाद ना सबको एक एक करके बुलाए और बोले कि ना तुम लोग गए थे कि नहीं। सब बच्चे लोग बोले मैम हम लोग गए नहीं थे, हम लोग सर के रूम में बैठ कर पढ़ रहे थे। और उसके बाद मेरे को भी बुलाए, मेरे को भी मारे एकदम आखिर तक। हम लोग को बहुत टॉर्चर किया मैम लोग, बोले कि ना तुम लोग टीसी दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे, टीसी दे देंगे, दो साल फिर ब्लैक टीसी दे देंगे, सब बोल बोल के ना अपन लोगों को सभी को ब्लैक को टॉर्चर किया। उसके बाद आखिर मैंने एकदम स्टूडेंट को ऊपर ले हॉस्टल में देखने आया और एकदम स्टूडेंट को बोले कि ना तेरे को ब्लैक टीसी दे देंगे, तो सच सच बता दो ना। वो बच्चे एक दिन लड़का वो एकदम कोर्स में आके हाँ बोला कि इन लोग गए थे, बिकॉज में कोई भी नहीं गया था। हमारे वार्डन सर भी प्रूफ है कि हम लोग यहीं थे। हमेशा गाँव में रात को घूमने जाते हैं, हमेशा हम लोग घूमते रहते हैं वहाँ गाँव में। और हम लोग को उधर गांव में घूमते हुए बहुत लोग देखे ऐसे ऐसे बोल के अपन उनके बारे में बोलते क्या चीज से ये सबसे मारे अपन को और बोले कि तुम लोग को ब्लैक टीसी देंगे, सब बोल के अपन को डरा है। बाल कैसे से पूरा काटे हैं हम लोग का, कितने लोगों का बाल किला काटा गया हाँ। और कितने लोगों को निकाला, इंजन को निकाला जा रहा है, उन लोग को ब्लैक टीसी दे के भगा दी। और प्रवेश पत्र अपन मेरे को बोले प्रवेश पत्र नहीं दिया। मैं आदेश्वर पब्लिक स्कूल खमार गाँव की प्रिंसिपल हूँ मिसेस रानी मैथ्यू। मेरे यहाँ जब बसंत भट्टी का एडमिशन हुआ था उसी समय वो जब पेरेंट्स लेके आए थे उसकी आंखों से ही हल्का सा हम लोगों को अंदेशा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नशे के उसमें पड़ा हुआ लड़का है। मैंने उसके पापा से बात भी किया था, तब उन्होंने बोला कि मैडम यहाँ रहेगा तो सुधर जाएगा बाकी बच्चों के साथ, और सबके साथ आप लोगों की निगरानी में रहेगा तो सुधर जाएगा। हम भी एडमिशन ले लिए यही सोच करके कि यहाँ रहेगा तो माहौल स्कूल का इतना अच्छा है कि वो डेफिनेटली सुधरना चाहिए था। लेकिन टेंडेंसी के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती, बच्चों में टेंडेंसी होता है कई बार, और वो निकल करके एक बार यहाँ से भाग भी गया, भागा और वापस जब अपने घर तक पहुँच गया था उसके बाद पेरेंट्स ने कंफर्म किया, यहाँ से जब पता किए कि कहाँ आ गया है, हम लोग यहाँ काफ़ी ढूंढे थे, उसके बाद वो घर पहुँच चुका था, उसके पापा ने कन्फर्म किया कि घर पहुँच गया है। वापस जब उसके पापा खुद ड्रॉप करने के लिए यहाँ लेके आए तब यहाँ रिसेप्शन पे उसके लगेज में से फिर सिगरेट के पैकेट्स निकले, तब भी उसके पापा समझा बुझा करके और हम लोगों से भी माफ़ी मांगा समझा बुझा करके उसके पापा ने हमारे सुपुर्द किया। हम भी उसको रखे हुए थे। अभी परसों रात की बात है, परसों रात को वो ऊपर हॉस्टल के से उतर करके बाहर भाग रहा था, हमारे वार्डन्स वापस आ रहे थे किसी फंक्शन से, उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने उसको पूछा कि कहाँ जा रहा है, जैसे ही पूछा वैसे ही वो उल्टे पाँव भागा, भाग करके वापस हॉस्टल के पाइपलाइन की तरफ से वो चढ़ा है ऊपर, और पाइपलाइन रात में टूटा है। सवेरे हम लोग जब आए हैं रात को हमको यहाँ से खबर मिल चुका था कि ऐसा हुआ है करके, और वापस चढ़ करके ऊपर हॉस्टल में अंदर भी आया है। अंदर आने के बाद उसने इमीडिएटली कपड़ा चेंज किया, और जब तक वार्डन लोग यहाँ पहुँचते और ऊपर तक पहुँचते तब तक वो रेडी मिला अटेंडेंस के लिए। आज बच्चों से भी हॉस्टल के बच्चों के अलावा जहाँ वो जाते थे ये लोग ढाबे में और वहाँ से खाने का पैकेट वगैरह लाते थे, वहाँ भी हम लोगों ने पूछा पता किया, तो कन्फर्म है बच्चों की तरफ से भी और उस ढाबे वाले की तरफ से भी कि ये लोग आते थे। मैम ये थे और दो लोग थे जो लड़के रेगुलरली, वो ढाबे वाले का कहना है कि तीन लड़के आते थे, निश्चित रूप से पहचान रहे थे। जा रही है ये है तो आप देख लीजिए रिकॉर्डिंग। मेरा बच्चा होता और कोई गलती कर रहा होता तो हल्का फुल्का तो मारूंगी ना, तो ये हल्का फुल्का हम अगर कोई एक्शन लेते हैं फिजिकल भी, हमको भी मालूम है कि कानून के दायरे से पूरी तरह ये मना है और सब कुछ है, हम भी जानते हैं, लेकिन अगर हल्का फुल्का एक आध झापड़ मारा गया है तो वो उसको सुधारने के लिए, उसको बहुत बार समझाया भी गया है, शायद ये बात मीडिया में इतनी जोर से नहीं आएगी जितनी जोर से एक झापड़ मारने की बात आ जाएगी।